बड़ी खबर खनिया थाना से आ रही है, जहां पर शिवपुरी जिले के खनिया थाना में पूर्व में पदस्थ रहे विवादित नायब तहसीलदार का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस मामले में नाबालिग लड़की को बालिग बनाकर अवैध तरीके से उसकी जमीन बेच दी गई। मामला खनिया थाना के पोठा ग्राम का है, जहां पर नाबालिग लड़की को बालिग बताकर अवैध तरीके से उसकी जमीन बेच दी गई। मामले में पूर्व नायब तहसीलदार समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि शिवपुरी जिले के खनिया थाना तहसील में न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व नायब तहसीलदार अरुण सिंह गुर्जर और 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला खनिया थाना के पोटा ग्राम का है, जहां पर नाबालिग लड़की को उसकी पैतृक जमीन उसके नाम करा देने का लालच देकर उसे कोरे कागजात पर केवल हस्ताक्षर करा लिए। बाद में नाबालिग लड़की को पता चला कि जमीन तो बेच दी गई, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नायब तहसीलदार ने लोगों से षड्यंत्र कर इस लड़की को बालिग बता दिया और फर्जी विक्रय बनाकर जमीन को बिक्री नामांतरण भी करा दिया। जमीन रतन और पूरन सिंह नाम के व्यक्ति को बेची गई। इस बेचने में रजिस्ट्री लेखक के साथ अरुण सिंह गुर्जर और पटवारी मनोज नागर ने भूमिका निभाई। लड़की ने इस पूरे मामले की शिकायत खनिया थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद लड़की ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इसके आधार पर नायब तहसीलदार अरुण सिंह गुर्जर समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच होती तो कई बड़े नाम भी इसमें शामिल थे, जिनका खुलासा हो सकता था। इन्हें झूठी कह के मतलब कि नामांतरण होगा कि आपका कहीं नामांतरण के नाम झूठी कह के लवा लिया है और इन्हें अरेस्ट। अच्छा, आपसे क्या बोले ये नामांतरण? नामांतरण की कह के लवा लिया कि नामांतरण होने। इसके बाद में फिर क्या हुआ? इसके बाद में फिर इन्हें कोरे कागजन पे दस्तखत करवा ली। फिर बाद में पता चला कि इन्हें मतलब हम जी जंग जी आ गए जूत भी, तो कहने लगे कि हम कहीं बेरा है, तो मैंने कही जंगा तो मेरी है, तो बोल ली कि कहीं हमने तो कहीं रजिस्ट्री करवा ली, तो मैंने फिर नकल मकल निकलवाई। तो फिर देखिए, न्यायालय के परिवार के ऊपर हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। लगाए 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। फरियादियाँ रूबी लोधी थी है पोटा की। इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने तहसील कार्यालय से सारे दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज आने के बाद ही हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, और दस्तावेज आने के उपरांत ही हम ये बता पाएंगे इसमें कौन दोषी है और